राहुल गांधी से मिले विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, सूत्रों से खबर, पुनिया को मिल सकता है विधानसभा चुनाव का टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को कांग्रेस उम्मीदवारों की जारी कर सकती है पहली लिस्ट, 41 सीटों में से 32 सीटें हुई फाइनल। राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में आज दो रैलियां, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल। सिंगापुर दौरे पर आज पीएम मोदी, कई द्विपक्षीय समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। उपचुनाव से पहले सीएम योगी फुलपुर दौरे पर, 600 करोड़ का लोन करेंगे वितरण। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा किया, इसको लेकर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली में एमसीडी के वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव, शाम तक 4 बजे तक चलेगी वोटिंग। लालू यादव ने बुलाई पार्टी बैठक, तेजस्वी यादव की आभार यात्रा और विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के आरोपी और सांसद रशीद इंजीनियर की जमानत पर शाम 4 बजे फैसला, पटियाला हाउस कोर्ट देगी फैसला। केंद्र और त्रिपुरा सरकार आज लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम के चेहरे पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी विचार की कोई जरूरत नहीं। गुरुग्राम में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी के कई बड़े कार्यकर्ताओं में रोष, रात 12 बजे बुलाई आपातकालीन बैठक। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुलाई बैठक। बहराइच में भेड़िए के बारे में सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मंगलवार को देर रात मैसी टेपरा गांव पहुंची और निरीक्षण किया। यूपी के सुल्तानपुर में अपराधियों का तांडव, प्रयागपुर में बीजेपी नेता के भतीजे की हत्या। मौसम विभाग का देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान।